तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। जैसे मैंने पहले बोला था तुम्हें, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट काफी कुछ रिलेटेड है, तो जो भी हमने अगर पढ़ा है डिटरमिनेंट में जो अगर हमें अच्छे से आता है तो मैट्रिसेस तुम लोगों के लिए बहुत स्मूथ जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहले हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिसेस होता क्या है हमारा, तो जैसे कि मैंने डिटरमिनेंट में बोला था कि डिटरमिनेंट क्या होता है, एक एरे ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसी प्रकार मैट्रिसेस भी एक एरे ऑफ एलिमेंट्स होता है। बट अंतर क्या है कि जो हमारा डिटरमिनेंट था उसमें दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस, बट इधर जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, इधर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रोज हैं, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो फॉर्मली हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं मैट्रिसेस का। इट इज मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m into n लिखा है वो, m into n एलिमेंट्स। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m into n एलिमेंट्स विथ m नंबर ऑफ रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने लिखा 2 1 3 5 7 9, तो ये क्या हो गया हमारा मैट्रिसेस। इसके अंदर मैंने क्या बोला, m नंबर ऑफ रोज, तो इसमें देख सकते हो तुम, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, तो इसमें कितने हो गए रोज, कितने हो गए 2 रोज हो गए, तो इधर लिखेंगे 2 रोज। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, c1 c2 and c3, सो 3 कॉलम, सो दिस विल बी कॉल्ड एज 2x3 मैट्रिसेस हम। और 2x3 को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। बट इधर जनरलाइज लिख लो, ऑर्डर ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी m क्रॉस n। m रोज है तो पहले m बोलेंगे, m नंबर ऑफ रोज देन कॉलम्स। डिटरमिनेंट में हमारा ये दोनों क्या थे, बराबर थे, तो उधर तो फर्क नहीं पड़ता, हम इधर का उधर लिखें, बट इधर हमें पहला सफिक्स जो होगा वो रो नंबर बताएगा, रो नंबर एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज और सेकेंड कॉलम। ठीक है, एक बात और क्या याद रखना है, जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या था हमारा, 2 वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है, इसके बीच में हमारे एलिमेंट्स को लिख रहे थे, इधर हमारा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही बोल सकते हैं, बट मोर प्रिसाइजली स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलो दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट जो है कि जैसे मैंने बोला था डिटरमिनेंट तो क्या होता है, एक वैल्यू होता है, जैसे मैंने डिटरमिनेंट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे उसको वैल्यूएट किया, एक वैल्यू मिला, बट मैट्रिसेस क्या है, इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो इधर लिख लो, इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, समझ में आया, जैसे अनलाइक डिटरमिनेंट इट इज नॉट हैविंग ए वैल्यू, ऐसा भी लिख लो, अनलाइक डिटरमिनेंट इट इज नॉट हैविंग ए वैल्यू, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स को कैसे रेफर करते हैं अपना मैट्रिसेस में। तो जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को डिटरमिनेंट में हम क्या यूज करते हैं टू रेफर एलिमेंट, ए आई जे, उसी प्रकार इधर भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मुझे 7 एलिमेंट को रेफर करना है, 7 को, तो मैं क्या लिखूंगा, ए पहला आएगा रो नंबर, रो नंबर कौन सा है 2, कॉलम नंबर क्या है 2, तो इट इज A22, तो A22 इज नथिंग बट 7, सेम कुछ अलग नहीं है इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, बट फिर भी अगर तुम्हें लिखना है तो यू कैन राइट इट, टू रेफर एलिमेंट वी जनरली यूज AIJ। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नोटेशन, थर्ड पॉइंट जो भी है, थर्ड या फोर्थ नोटेशन। जैसे डिटरमिनेंट में एक बार रिकॉल करते हैं कैसे किया था नोटेशन, ये लिखा फिर AIJ और फिर इधर लिखा था n क्रॉस n। ठीक है, ऐसा लिखा था, इधर क्या आ जाएगा हमारा जो वर्टिकल लाइंस है उसकी जगह तो आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, देखना ऐसे लिख दिया, दिस इज माय मैट्रिसेस लेट्स से ए, और इधर n क्रॉस n की जगह क्या आएगा, उधर तो मेरा n क्रॉस n क्यों था, रो नंबर और रो और कॉलम बराबर होते हैं, बट इधर मेरे डिफरेंट हैं, तो मैं क्या लिखूंगा m क्रॉस n, ये m क्या है नंबर ऑफ रोज और दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है, हम मैट्रिसेस से डील कर रहे हैं मैट्रिसेस, और AIJ क्या बता रहा है, टाइप ऑफ एलिमेंट, ये लिख लेना, वी आर यूजली नोटेटेड लाइक दिस वे। ठीक है, और दूसरी बात, अब हमारा इधर हम क्या लिखेंगे, जो I है हमारा जो पहला सफिक्स है दैट इज रो नंबर, तो उसकी वैल्यू कहां से कहां जा सकती है, देखना इसका रेंज लिख लो, I goes from it is greater than 1 equal to less than equals to m, मैक्सिमम m तक जाएगा,
और जो जे है हमारा सेकंड सफिक्स दैट इज कॉलम नंबर, तो वो कहां से कहां जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू एन। क्लियर हुआ बच्चों, पहला सफिक्स रो नंबर, दूसरा कॉलम नंबर। तो पहला सफिक्स जो आई है दैट कैन गो फ्रॉम वन टू एम, सेकंड सफिक्स कैन गो फ्रॉम वन टू एन। क्लियर है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। दिमाग में एक पॉइंट बिठा लेना कि जो मैट्रिसेस इज नॉट अ नंबर लाइक डिटरमिनेंट। जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या होता है, एक वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट इज नथिंग बट अ वैल्यू, बट मैट्रिसेस इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अच्छा देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैंने बोला दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, पहली बात तो उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, टू मैट्रिसेस लिख लो, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने बोला ये मैट्रिक्स दे दिया कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर, लेट्स से एक्स, चलो इधर मैं हटा देता हूँ, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज एक्स 2 3 1, मैंने बोला दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो देखने तो क्या बोला इस डेफिनेशन के हिसाब से कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो दिख रहा है इसका 2x2 है, इसका भी 2x2 है। अब उसने बोला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है हमारा कि जो 1 है वो x के बराबर होना चाहिए, जो अल्फा है वो हमारा 2 के बराबर होना चाहिए, बीटा जो है 3 के बराबर और 4 जो है वो y के बराबर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ दीज टू आर इक्वल देन फाइंड x y अल्फा बीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। क्लियर है, तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब एक तो उनका ऑर्डर सेम होगा प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, याद रखना। ठीक है, चलो अब मैंने बोला जैसे एक और ले लिया, मैंने बोला लेट्स से 1 2 3 4 और ऐसे लिख लिया एक्स वाई 2 3 और 1 5, मैंने बोला फाइंड, ऐसे लिखा इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड एक्स कॉमा वाई, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉज करके 2 मिनट सोचो, आंसर विल बी नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। व्हाई, बिकॉज ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो इधर अलग है ना, इधर 2x2 है, इधर ऑर्डर क्या है 3x2, 3x2 क्यों, क्योंकि 3 रोज दिख रही है, रो 1 रो 2 रो 3, तो दिस इज 3x2 और ये हो गया 2x2, हेंस दिस कैन नॉट बी इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हेंस देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो प्राइमरी थिंग हमारा क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे कि हाँ फिर देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब जैसे एक दो एग्जांपल छोटे छोटे देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मैंने बोला फाइंड मैट्रिक्स ए डिफाइंड बाय, फाइंड मैट्रिक्स ए ऐसे लिख लो ऑफ ऑर्डर 2x3 डिफाइंड बाय एलिमेंट्स लेट्स से ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर, लेट्स से मैंने ऐसे बोला, उसने एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दे दी विच सेटिस्फाई दिस और बोला 2x3 एलिमेंट, 2x3 मैट्रिसेस लिखो, तो 2x3 मतलब 2 रो होंगी हमारी तो और 3 कॉलम होंगे 2x3, पहली बात तो एक एलिमेंट इधर 2 3 फिर 1 2 3,
तो मैंने बोला A11 क्या होगा हमारा, I और J को 1 1 रख देंगे तो 1 plus 1 square is 2. फिर मैंने बोला A12 कितना होगा, A12 कितना होगा, इसमें I की जगह 1 रखा और J की जगह 2 रखा, तो 2 square is 4 plus 1 5, तो दिस इज 5. A13 1 रखा 3 रखा, तो 1 plus 3 square is 9, 9 plus 1 is 10. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट A21, I की जगह 2 रखा तो 2 plus 1 square which is 3. A22, 2 plus 2 square, 4 plus 2, 6. And lastly, A23, second row, third element, मतलब ये वाला element, कितना होगा? 3 square is 9, 9 plus 2 is 11. तो बस इसमें हमने रख दिया, 2, 5, 10, 3, 6, 11. बहुत ही ज़्यादा, बस एक बार तुम लोगों को फील दिलाने के लिए एक बार बता दिया कि ऐसा होता है. बट ऐसा क्वेश्चन ऑफकोर्स यही में नहीं आएगा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी दे देगा वो बोलेगा ये क्या. हाँ ऐसा आ सकता है कि आगे चल के हम देखेंगे कि इस जो मैट्रिसेस है, मान लो अभी हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस वगैरह क्या होती है, उसमें बोल सकता है ट्रेस क्या है, वो आगे की बात है इस टाइप के क्वेश्चन पे. बट डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बोलेगा कि मैट्रिसेस क्या होगी, ठीक है. जस्ट तुम लोगों को एक फील दिलाने के लिए कि हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक थोड़ा फील आ जाए. चलो अब देखना, अब मैं देख रहा हूँ टाइप ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मैट्रिसेस. टाइप ऑफ मैट्रिसेस, पहले एक दो लेक्चर हमारे डेफिनेशंस वगैरह में जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह, आज भी कोशिश तो करूंगा मैं बीच बीच में न्यूमेरिकल लेने की, बट एक या दो लेक्चर बाद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट होंगे. तो पहले मैंने लिखा टाइप ऑफ मैट्रिसेस. चलो उससे पहले एक और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. मैंने बोला इट इज अ मिक्सअप ऑफ पीएनसी एंड मैट्रिसेस. तो क्वेश्चन इज कि हमारे पास वी हैव 20 distinct elements, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. क्या लिखा, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट कैन बी फॉर्म ऑर्डर्स, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस that can be formed using all the elements. और second part, पहले तो number of orders बताने हैं मुझे, possible number of orders. Second is find total number of matrices. Formed using all the elements. All, हर एक element मुझे use करना है, ठीक है ना? We have to use all the elements. तो देखो, तो पहले पहला part देखते हैं. तो better क्या होगा? तुम लोग video pause करो और इसको try to solve करो. तो मैं इसको discuss करने जा रहा हूँ. देखना पहला part. ज़्यादा अच्छे से सीखोगे पहले एक बार खुद से try करोगे. अगर नहीं अटकते हो then refer my solution. इसने क्या बोला? We have 20 distinct elements, ठीक है? और मुझे बोला number of orders बताओ. ठीक है ना, ऐसे कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ ऑल द 20 एलिमेंट्स. तो देखना दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू जो हमने पीएनसी में पढ़ा था, सेकंड लास्ट टॉपिक था ऑलमोस्ट हमारा डिवाइजर प्रॉब्लम. उसमें देखना, पहले मैं उसको रिकॉल करते हैं उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. उसमें क्या था कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 100 मान लिया, एक मिनट के लिए 100 मेरे पास नंबर है. फिर उधर क्वेश्चन आता था हमारा कि 100 को हम कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स. क्या था, नंबर ऑफ वेज दिस 100 कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर. लिख लेना अगर तुम्हें लिखना है तो, ठीक है. तो हमने कैसे स्टार्ट, कैसे होगा, जैसे मैंने बोला एक होगा फैक्टर 1 इनटू 100, दिस इज वन ऑफ द वे, दैट 2 इनटू 50, फिर 3 से नहीं होगा 4 इनटू 25 एंड सो ऑन. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने उधर एक फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी किया था. कैसे करते हैं हम इस 100 को, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 5 into 5, which is 2 square into 5 square, 25 into 400, correct है. फिर क्या किया था, number of मेरे को निकालना है factors. देखना उधर और इसमें थोड़ा सा अंतर होगा अभी. Look at here, क्या किया था, ये लिखते थे 2 plus 1 करते थे into 2 plus 1, तो this is 3 3 the 9, तो ऐसे 9 factors आएंगे, ठीक है ना. अच्छा एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा चेंज करूँ एग्जांपल को, क्योंकि मुझे इसमें और उसमें डिफरेंस बताना है थोड़ा सा. तो
सो लेट मी राइट दिस इज 200, तो मेरा इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हो गया 1 into 200. मैं बताऊंगा अभी मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, 2 into 100 एंड सो ऑन. तो इधर मेरा एक 2 बढ़ जाएगा, तो दिस इज 2 cube, तो ये हो जाएगा 2 plus 1 3 plus 1 4, तो 4 into 3 दिस विल कम आउट टू बी 12. अब देखना ध्यान से, तो मैंने बोला, पहले मुझे बोलना बताना कि करेक्ट है या नहीं. मैंने बोला नंबर ऑफ वेज, दिस 200 कैन बी फैक्टराइज इन टू टू नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12. इज इट करेक्ट और नॉट? जस्ट थिंक इट, क्या हमने इसमें कुछ किया था? आई होप सोच लिया होगा. अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये आंसर अभी गलत है. क्या करते थे हम, इसको डिवाइड बाय 2 करते थे, इसको डिवाइड बाय 2 करते थे. क्यों करते थे? जब हमने ये 12 लिखा ना, उसमें मेरा 1 into 200 एंड जो आखिरी में आने वाला है 200 into 1, दीज आर ट्रीटेड एज डिफरेंट. बट एक्चुअली अगर मैंने ऐसे बोला कि इसको दो दो नंबर से फैक्टराइज करो, तो 1 and 1, 200 या फिर 200, 1, दोनों बात एक ही है. इसके करस्पॉन्डिंग एक केस आना चाहिए, नंबर एक काउंट आना चाहिए, बट इस 12 के अंदर ये दोनों डिफरेंट काउंट हुआ है, इसलिए हम 2 डिवाइड करते थे. ऐसे हर एक के साथ है, जैसे इधर 2 into 200 है, इधर आखिरी में आएगा 100 into 2. क्लियर हुआ? तो आंसर मस्ट बी 6. क्लियर है? अब आते हैं मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन पे. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन रेफर योर नोट्स, ठीक है, उधर मैंने लिखवाया है. ठीक है ना, इसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चन भी किए, 3-4 क्वेश्चन आई थिंक किए थे. अब देखना, अब हमें अब क्या है, उसने बोला कि 20 डिस्टिंक्ट एंट्रीज हैं. तो मतलब देखो, एक पॉसिबल तरीका क्या है, 1 cross 20, मान लो एक ही रो हो 20 कॉलम, इट इज समथिंग लाइक दिस. लेट्स से डिस्टिंक्ट एंट्रीज मेरी 1 2 3 है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन 20, दिस इज वन ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 cross 20, व्हिच इज परफेक्ट. या फिर मैंने क्या किया, इसको 1 को बढ़ाया 2 cross 10, व्हिच इज परफेक्ट. तो ऐसे कितने आएंगे, ऐसे कितने आएंगे एक्चुअली में, कितने आएंगे? 20 को मैं फैक्टराइज करूंगा, 220 को क्या लिखूंगा, 2 square into 5, 4 5 is 20. फिर क्या करते हैं, 2 plus 1 into 1 plus 1, 3 into 2, 6. तो 6 मेरा आंसर आया, 6 मेरा आंसर आया. तो क्या मैं बोलूं कि ऐसे 6 ऑर्डर्स पॉसिबल है? जस्ट थिंक इट, कि मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज है, बताओ क्या होगी? इधर तो मेरे को डिवाइड करना पड़ा था जब मैंने बोला कि वी हैव टू फैक्टराइज इनटू टू नंबर्स, बट इधर मुझे डिवाइड बाय 2 करूं कि नहीं करूं? तो मैं बता रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके सोच सकते हो. द आंसर इज वी विल नॉट डिवाइड, आंसर विल बी 6 ओनली. द रीजन इज, देखो एक मिनट मैनुअली काउंट करके बताता हूं पहले मैं. तो ये लिखा 2 into 4, फिर 3 से तो जाएगा नहीं, 4 into 4 cross 5, इतना ही होगा. फिर इसके उल्टे होते जाएंगे, 5 cross 4, 10 cross 2 और 20 cross 1. जब मैंने बोला था ना कि मुझे इसको दो नंबर के टर्म्स में फैक्टराइज करना है, देन एट दैट टाइम दीज टू आर ट्रीटेड एज डिफरेंट, सिमिलरली दीज टू. तो हमारे क्या आंसर आता था, 6 divided by 2. बट फॉर मैट्रिसेस 1 cross 20 ऑर्डर इज डिफरेंट देन 20 cross 1, बिकॉज 1 cross 20 जो मैट्रिसेस है उसमें 1 क्या है नंबर ऑफ रोज, 20 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस 20 cross 1 में क्या है, 20 नंबर ऑफ रोज, 1 नंबर ऑफ कॉलम्स. हैज दीज टू आर डिफरेंट ऑर्डर्स, हैज ऑल द दिस 6 एंट्रीज आर डिफरेंट, देयर आर 6 डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्डर. क्लियर है बच्चों? तो इधर हम डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6. अच्छा क्वेश्चन है, एंट्री लेवल पे भी नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है. पीएनसी जिसको आता होगा और उसने ये कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा होगा, वो ही इसको सॉल्व कर सकता है. कब? जब अगर ये नंबर बढ़ा दिया, अगर छोटा दिया तो मैनुअल काउंट से भी काम चल जाएगा विदाउट पीएनसी. क्लियर है? चलो, क्योंकि अगर मुझे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1000 दे दिए, तो मैनुअली काउंट तो नहीं कर पाएंगे ना. देन वी शुड नो दिस फॉर्मूला, कैसे आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, जो भी पावर लिखी है उसमें 1 प्लस करो, वो एक ब्रैकेट में आएगा, फिर दूसरे पावर में 1 प्लस ऐड करो, एंड सो ऑन, देन मल्टीप्लाई दोस. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है ना, चलो अब आते हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस. तो अगेन अगर तुम्हारा ऑर्डर आ गए, अब तुम एक मिनट के लिए वीडियो को अगेन पॉज करके सोच सकते हो कि मैट्रिसेस कितने होंगे. मैं इसको डिस्कस करता हूँ, सो आई एम रैपिंग दिस पार्ट. देखना, मैंने क्या बोला कि ऑर्डर तो 6 पॉसिबल है. अब सुनना, इस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग पहले मैं मैट्रिसेस काउंट कर लेता हूं.
इसके भी करस्पॉन्डिंग इसके उन सबको ऐड कर देंगे, उतने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन गए। देखो पहली बात तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, हो सकता है बच्चों को अभी डाउट हो सर पहले और दूसरे में अंतर क्या है। पहले में तो इतना बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल कितने हैं, दूसरे में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि अगर एक ऑर्डर मान लो ये मैंने फिक्स किया तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मैट्रिसेस तो बहुत ज्यादा होंगी ना, कितनी होंगी वो भी बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये 1x20 लिखा है, जैसे कि मैंने बोला था कि अभी बोला था कि जैसे मान लो 20 एंट्रीज है मेरी, लेट्स सेट 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेट्स 20, दिस इज वन ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1x20, बट उसने डिस्टिंक्ट एंट्रीज दी हैं, सो आई कैन परम्यूट दीज 20 एंट्रीज, हर एक परम्यूटेशन के करस्पॉन्डिंग मुझे हर एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा, हेंस इस पर्टिकुलर ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग मेरे नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने आएंगे 20 फैक्टोरियल। समझ आना चाहिए क्यों लिखा मैंने 20 में, नंबर ऑफ वेज आई कैन परम्यूट दीज 20 एंट्रीज, हर एक परम्यूटेशन के करस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये दूसरा ये हो सकता है 2 1 3 4 5 6 7 9 20 तक, this is of order 1x20, but these two are different matrices. अगर सेम होती तो हमने बोला है ना कि corresponding elements बराबर होना चाहिए, but वो तो नहीं है, clear है? तो एक के corresponding कितना आ रहा है 20 factorial, तो हर एक इसमें भी कितने 20 entries हैं, तो 20 तरीके से मैं उनको permute कर सकता हूँ, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें, तो overall answer क्या हो जाएगा मेरा 6 × 20 factorial, 6 × 20 factorial, this is not वो matrices वाला cross, m cross n. ये 6 एक नंबर है और ये 20 एक नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूं इसको, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दोनों एक ही मतलब है। देखना क्या लिखा हमने, ऐसे लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो पहला है हमारा रो मैट्रिक्स, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है, यूज होंगी कहीं कहीं एग्जांपल्स में, छोटे छोटे एग्जांपल्स वगैरह में या बड़े एग्जांपल में भी छोटी छोटी ये डेफिनेशन डायरेक्टली यूज होगी, तो वी शुड नो कि रो मैट्रिक्स होता क्या है, अगर वही नहीं पता तो हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक ही रो, क्या बोला मैंने, मैट्रिसेस हैविंग ओनली सिंगल रो, मैट्रिसेस मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अच्छा एक ही रो होगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा 1x m, ऑर्डर ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी, ऑर्डर ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी 1x n, n तो मेरा क्या है नंबर ऑफ कॉलम, रो तो 1 ही है ना, तो इसलिए 1 इधर आया, 1 क्या है रो, तो इसने खुद बोला था रो मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर एक ही रो, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने 1 2 3 4, दिस इज 1x4, ऐसे मैंने लिखा लेट्स से 2 4, दिस इज 1x2, दीज ऑल आर रो मैट्रिसेस क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, क्लियर है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है। नेक्स्ट क्या आएगा इसका, इसी का विजर्व खुद सोच सकते हो क्या आएगा, रो की जगह अब क्या आएगा कॉलम मैट्रिक्स, तो सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, तो ऐसे नाम से पता चल रहा है उधर रो मैट्रिक्स किसको बोला था जिसके अंदर एक रो, तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलूंगा जिसके अंदर एक कॉलम हो, तो तुम पूरा लिख लेना चलो मैं लिख देता हूं, मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा ORDER, ऑर्डर क्या हो जाएगा m × 1, m will be number of rows, but column के अगर इधर क्या लिखा है 1 लिखा है, तो इसके अंदर एक कॉलम होगा, देखेगी कैसे ये ऐसे ही देखना, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 1 2 3, सो दिस इज 3x1, या फिर मान लो मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक लेके गया, डेड डैश मतलब चल रहा है उसी सीक्वेंस में, तो दिस इज 10x1, कॉलम नंबर इज 1 बिकॉज दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, समझ में आया, चलो तो अगेन पॉज इट एंड कॉपी दिस पार्ट, जैसे रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ऐसे एक और टर्म है क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या है हॉरिजॉन्टल, तो लिखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है सिंपल आईक्यू से बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जो दिखने में हॉरिजॉन्टल लगे,
ऑफकोर्स अगर हॉरिजॉन्टल लग रही है तो इट इज समथिंग लाइक दिस. अभी हम डिफाइन करेंगे एक्सप्लेनेशन से. ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है लेट से, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? टू. नंबर ऑफ कॉलम्स? तीन. तो क्या बोल सकता हूँ डेफिनेशन वाइज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को? मैट्रिसेस जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम. लिखो इधर, मैट्रिसेस फॉर विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन इक्वल टू भी नहीं आएगा, इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है ना? चलो, तो एग्जाम्पल के तौर पे वही, जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. क्लियर है? जो मैंने आगे अभी इससे पहले रो मैट्रिक्स बताया था, रो मैट्रिक्स भी क्या होगा? हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा. क्यों? रो मैट्रिक्स में क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ रोज वन होते हैं, तो रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हमारे नंबर ऑफ जो रोज है वो कम होंगे. तो मैथमेटिकली क्या लिखूं मैं? m is less than n. m और n क्यों? बिकॉज ये स्टैंडर्ड नोटेशन ही होता है. मैट्रिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो m इज डिनोटेड, m इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इतने बड़े स्टेटमेंट को लिखने की जगह मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं. देखो क्या बहुत अच्छे तरीके से, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इफ m इज लेस देन n. ये ज्यादा अच्छे से बेटर है इंग्लिश के टॉक लैंग्वेज के टॉक में लिखने से. अच्छा क्या है, हम ऐसे लिखें क्या कि मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इफ m इज लेस देन n. इसी का विज़ तुम लिख लो वर्टिकल मैट्रिक्स. क्या लिखेंगे इसमें? नाम से इंडिकेट हो रहा है जैसे कि ऊपर हुआ था, जो दिखने में वर्टिकल लगे. दिखने में वर्टिकल कैसी लगेगी? मान लो ऐसे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 3 क्रॉस 2. तो इसमें क्या दिख रहा है हमें क्लियरली कि इसके अंदर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स कम है. जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2. तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स. तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? ऐसे लिख रहा हूँ मैट्रिसेस. चलो इसमें मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m इज ग्रेटर देन n. दैट्स इट. ब्रैकेट नहीं लगाओ, फुल कंटिन्यूएशन में. क्लियर है? आई होप समझ में आएगा. बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ठीक है ना? और ऐसे भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा अलग हो, मतलब नाम से ही उनके बारे में हमें पता चल रहा था वो ऐसा हो सकता है. ठीक है ना? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट मैट्रिसेस, दैट इज नल मैट्रिक्स, या फिर उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स. क्या बोले? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. तो लिख लो इधर, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स. ये भी नाम से इंडिकेट हो रहा है, हालांकि जीरो या नल. इसका डेफिनेशन क्या देंगे? मैट्रिक्स फॉर विच, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस फॉर विच All elements are zero. बहुत ही आसान हो गया. जैसे मैंने लिखा 0, 0, 0, 0, 0, 0. This will be a zero matrix. जैसे हमारा zero vector होता है ना, null vector, magnitude zero का, उसी तरीके से ये है. तो हम null matrix को denote कैसे करते हैं? Bold zero से. जैसे उधर हम क्या बोलते हैं, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? बोल्ड से ना, एक नोटेशन वो भी था, उसी प्रकार नल वेक्टर को. तो इसी इधर क्या करेंगे? जीरो बोल्ड से. देखो ये सिंपल जीरो मतलब तो जीरो होता है, बोल्ड जीरो मतलब मैट्रिसेस. जैसा कि हम नहीं बोलते थे कि दो वेक्टर का एडिशन अगर नल वेक्टर आ रहा है तो उस नल वेक्टर को जीरो बोल्ड करके लिखते थे, बिकॉज दो स्केलर दो वेक्टर क्वांटिटी का हम जीरो तो लिख नहीं सकते. दैट विल बी अ, दैट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हम उसको क्या करते थे? जीरो वेक्टर लिखते थे. उसी प्रकार आगे हम देखेंगे, जैसे मान लो दो मैट्रिक्स का सम या फिर डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट, वॉट एवर, अगर मान लो जीरो, सारी एंट्री जीरो आ जाती है उनका सम प्रोडक्ट या डिफरेंस लेने पे, तो हम उसको सिंपल जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक मैट्रिक्स है, ये एक नंबर है. मुझे मेरे को पता कि मैट्रिक्स सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है ये, दिस इज नॉट अ वैल्यू. तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? इट इज समथिंग लाइक वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर. तो हम क्या करेंगे? इसको बोल्ड बनाएंगे. बोल्ड मतलब क्या हो रहा है? दिस इज अ मैट्रिक्स. क्लियर है? तो उधर इसका काम आएगा. ठीक है, तो मैट्रिसेस फॉर विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं हम? देखो मैथमेटिकली ये भी लिख लेता हूँ, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई कॉमा जे. मैथमेटिकली डेफिनेशन ऐसे हो गई, क्योंकि हमें पता है ए आई जे क्या करते हैं हम,
एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, उसने बोला aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i कॉमा j, हेंस दिस मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारी एंट्री 0 हो, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्री 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स ऑफ नल मैट्रिक्स। क्लियर है? चलो अब आते हैं मेन हमारा जो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, जो अब जो भी बता रहा हूं मैं वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हमारे आगे के, मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनमें। तो मेन अभी बोल सकते हैं कि अब डेफिनेशन स्टार्ट होंगी, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन के अंदर ही है, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा इसमें भी वैसे नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे ओरिजेंटल था, नंबर ऑफ रोज कम थी, कॉलम में कहते नंबर ऑफ रोज ज्यादा थी, स्क्वायर है तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर विच, मैट्रिक्स फॉर विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज m इज इक्वल टू n। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, स्क्वायर मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अच्छा तो लेट्स से मैंने ये लिखा, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2x2, जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स अब एक चीज और दिमाग में आना चाहिए कि हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बाकी के जो मैंने मैट्रिक्स लिखी जिसके लिए रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर नहीं होते हैं, उनमें तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू तो डिफाइन नहीं होती, बिकॉज मैंने बोला था डिटरमिनेंट हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा कि मैंने नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी आएगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, देखो उसको नोटेशन ऐसे लिखते हैं, डी ई टी और ब्रैकेट में लिखते हैं ए, दिस मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, लिख लो, दिस मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए, ये मॉड जो इंडिकेट हो रहा है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये नहीं है कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, दिस इज नॉट दैट मॉड, हम एब्सोल्यूट वगैरह वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं मॉड ऑफ -2 इज 2, वो मॉड नहीं है, दिस इज यूज फॉर सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। तो या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डीईटी है, मैं आगे जाके रेफर ऐसे शॉर्ट में बोला करूंगा, डेट ए डीईटी मतलब डेट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, 4 - 6 विच इज -2, अगर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी होगी। बाकी जो मैट्रिसेस देखी मैंने अभी, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स वगैरह, उनमें रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर नहीं है, तो उनके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, बिकॉज डिटरमिनेंट वैल्यू उन्हीं मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। क्लियर है? अच्छा अब इसमें एक और टर्म आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तो इसको भी इसी में लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्या होता है वो मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, देखना। लिखा मैंने सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल डेफिनेशन है, मैट्रिसेस फॉर विच डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, जिस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं क्या लिखूं इधर, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस फॉर विच देयर डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, देयर डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज DET, debt of A is equal to 0, तो A हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, तो इसी प्रकार तुम लिख लो नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैट्रिसेस फॉर विच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं इस चीज को डिफाइन करने के लिए डिटर्मिनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेट
अल्टीमेटली क्या मैं बोलूंगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जो मतलब यूज आएगा, या फिर मतलब बोल सकता हूँ इसका हाँ यूज ही बोल लो कि इस इन दोनों का जिक्र कब होगा, व्हेन मैट्रिसेस एंड स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। देखो बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है कि वो नल मैट्रिक्स को भी सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। सुनना मैंने क्या बोला, एक बार और आते हैं। देखो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स का मैंने एग्जाम्पल लिखा, लेट्स से 1 1 2 2, दिस इज सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, ये मैट्रिक्स ऐसे लिखूंगा। अच्छा अगेन जल्दी जल्दी में आप जैसे इवन टीचर्स वगैरह से मिस्टेक होता है, मैट्रिसेस को हमेशा स्क्वायर में लिखना। डिटरमिनेंट मतलब वर्टिकल लाइंस, मैट्रिक्स मतलब ये स्क्वायर। तो दिस इज ए मैट्रिक्स ए, मैंने बोला ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। क्यों है? बिकॉज इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 0, hence this is singular matrix, clear है? अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, वो नल मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं देखो, नल मैट्रिक्स को तो मैंने कैसे डिफाइन किया था, बेसिक डेफिनेशन क्या बोली थी, मैट्रिसेस फॉर विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब जरूरी नहीं है ना कि जो नल मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बिकॉज रो नंबर और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0, सो दिस इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या ये सिंगुलर है? क्या ये सिंगुलर है? नहीं, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात तो जब होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिफाइन ही उसके फॉर्म में किया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, देन वी कैन नॉट से नल मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ ये बोल सकता हूं कि नल मैट्रिक्स विच आर स्क्वायर आर सिंगुलर। नोट के फॉर्म में लिख लो इसको भी। क्या बोला मैंने, वो नल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो जरूर सिंगुलर होंगी। क्लियर हुआ? क्या बोला दोबारा एक बार नोट करके इसको लिख लेते हैं, नल मैट्रिसेस इन जनरल आर नॉट सिंगुलर। पहले तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। जो नल मैट्रिक्स होगी इन जनरल तो सिंगुलर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स का तो जरूरी नहीं है ना, नल मैट्रिक्स के अंदर रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर हो, तो अगर नो नंबर और कॉलम नंबर बराबर नहीं है तो हाउ कैन वी डिफाइन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हाँ लेकिन अगर अब मैंने ऐसे लिखा, नल मैट्रिसेस विच आर स्क्वायर विल बी सिंगुलर, क्योंकि अगर वो नल भी है प्लस स्क्वायर भी है तो डेफिनेटली जीरो होगा डिटरमिनेंट। हमें तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कब हो जाती है, जब केवल एक ही रो या एक ही कॉलम जीरो, बट इसमें तो सभी कॉलम सभी रो जीरो है, तो हेंस विल बी सिंगुलर। क्लियर हुआ? तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर और नल में हमें मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है ना। सिंगुलर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस के रिस्पेक्ट में आ रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो और नॉट। नल मैट्रिक्स एक जनरल हो गया कि मैट्रिसेस फॉर विच ऑल एंट्रीज आर जीरो, तो जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते जनरलाइज स्टेटमेंट कि नल मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है ना। एंड उल्ट और हाँ एक और चीज, जैसे बच्चे फिर एक और तात्पर्य निकालते हैं कि सर ऐसे बोल सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं, वो तो और ही ज्यादा गलत है। सिंगुलर जैसे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट जीरो है, बट क्या इसकी सारी एंट्री जीरो है? नहीं नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, क्लियर है। तो इसको भी लिख लो, चलो एक काम करो इसको भी लिख लो। क्या लिखोगे नोट करके, कि सिंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट नल मैट्रिसेस, ठीक है ना। एग्जांपल ये, सिंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट नल मैट्रिसेस। सिंगुलर मतलब होता है डिटरमिनेंट जीरो, डिटरमिनेंट जीरो तो बिना जीरो एंट्रीज के भी आ सकता है ना। फॉर एग्जांपल इधर आ रहा है, इधर एंट्रीज हमारी सारी जीरोस नहीं है, स्टिल डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, hence this will be singular matrix not null matrix। So kya bola maine, singular matrices are not null matrix in general are not null matrix। Ha special case mein ho sakta hai, special case mein kaise likhu expression, iske liye to example ye likho, aur उल्टा एग्जांपल मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर भी और नल भी है तो क्या करो, 2x2 या 3x3 का कोई भी ले लो जिसकी सारी एंट्री में जीरो, तो दिस इज नल एज वेल एज एज सिंगुलर। आई होप मैंने ज्यादा एम्फसाइज कर दिया इस पे,
ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नल और सिंगुलर में, सिंगुलर एक अलग चीज है, नल एक अलग चीज है। नल मतलब सारी एंट्री जीरो, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई रिलेशन नहीं है कि स्क्वायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो जनरल डेफिनेशन है, ऑल एंट्री, ऑल एंट्रीज आर जीरो। और सिंगुलर के लिए क्या है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ही पड़ेगा, सिंगुलर के लिए क्या है, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो चलो अब आते हैं इसमें एक और चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक नोट करके लिखते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको तुम खुद से वेरीफाई कर लेना, कोई भी दो मैट्रिक्स लो, उनको पहले ऐड करो। अच्छा एडिशन, एक मिनट को, पहले इसको बाद में लिख लेते, पहले एडिशन बता देता हूँ, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बता दो, उसके बाद विल सी दिस पॉइंट, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, हम ट्रेस लिख लेते हैं। लिखो ट्रेस, अभी मत लिखना वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो हम लिखेंगे, पहले हम एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद वी विल सी दैट थिंग। तो बिफोर दैट राइट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, टी आर ए सी। ट्रेस क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, पढ़ा था अपना किस में, डिटरमिनेंट में, इधर भी डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन वही है, क्या ए आई जे में अगर आई और जे बराबर है तो वो एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस क्या होगा, उन डायगोनल एलिमेंट्स का सम, लिख लो इधर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी सम, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने लिखा एक मेरी मैट्रिक्स है, लेट से ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या होगा, ये वाले, तो इनका सम, तो ट्रेस को बोलते हैं टी, टी आर से डिनोट करते हैं, टी आर ऑफ ए, इट इज गिवन बाय 1 + 5 + 9 विच इज 14 + 1 = 15। या फिर मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, मुझे तो मेरे को पता है जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम, a11 a12 एंड सो ऑन a1n, तो ये हो जाएगा an1 एंड सो ऑन, दिस इज ann। सो इस मैट्रिक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ए आई 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 गोज फ्रॉम 1 to n, दिस इज व्हाट ट्रेस ऑफ ए, टी आर ऑफ ए। वन रखोगे तो क्या आएगा a11 प्लस, फिर टू रखोगे a22, वो a11 a22 अप टू ann, आखिरी क्या रखना है n, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर है। तो डायगोनल की बात आ रही है तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो इसी के आधार पे एक छोटा सा और एग्जांपल चलो देख ही लेते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस में। तो क्या क्वेश्चन देखना, एक छोटा सा हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दे रखी है, क्वेश्चन लैंग्वेज तुम अपने से लिखो। मैंने बोला कि एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिसेस इज गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू, चलो i प्लस 2j स्क्वायर, ठीक है, फाइंड, और दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इज लेट से 3 × 3, क्या देखा है, टाइप एलिमेंट्स विल बी ऑफ टाइप ए आई जे इज इक्वल टू दिस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज 3 × 3, फाइंड ट्रेस। या फिर एक काम करो, ऑर्डर जनरल ले लो, n क्रॉस n ले लो, 1 एंड द सेम, वो जनरलाइज हो जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे तो 3 के लिए आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 के लिए आ जाएगा, तो क्या किया, फाइंड ट्रेस। तो जैसे कि अभी मैंने बोला था डेफिनेशन क्या होता है, सिग्मा ए आई 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 इज इक्वल टू 1 to n, तो मैं क्या लिखूंगा, ए आई आई मतलब कैसे आएगा, जब जे को आई से रिप्लेस करूंगा तो इधर क्या आएगा, आई प्लस 2i स्क्वायर, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। अब सिग्मा आई आई गोज फ्रॉम 1 to n, ये तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा n इनटू n प्लस 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट विल बी n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1/6, हैज दिस इज मैट्रिक्स। अब n की वैल्यू जो भी वो बोले,
थ्री के लिए बोल रहा है तो इधर थ्री रख दो, फोर के लिए बोल रहा है तो फोर रख दो, ठीक है। कुल मिला के ट्रेस को दिमाग में रखना है हमें, इट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर है। अच्छा जैसे अपने डायगोनल एलिमेंट्स इधर देखे उधर देखे थे डिटरमिनेंट, वैसे इधर देखा सेम, कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली कॉन्जुगेट एलिमेंट्स भी वही चीज़ है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, अगर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ठीक है, बट बस एक बार बोल रहा हूँ, aij एंड aji, जिसके लिए i और j इंटरचेंज होते हैं ना, वो होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। उनमें खासियत क्या होती है, दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सभी एलिमेंट्स जीरो हो, ऐसे लिख लो, मैट्रिसेस फॉर विच, मैट्रिसेस फॉर विच ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। देखो खुद रीड करो क्या हो रहा है, क्या बोला मैंने कि वो मैट्रिसेस जिनके लिए डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ दो ना, डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर इसने कोई कमेंट नहीं किया, वो जीरो भी हो सकते हैं नॉन जीरो भी हो सकते हैं, बट डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी जीरो होना चाहिए। लेट्स से मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ, तो इट इज समथिंग लाइक 1 0 0 0 2 0 0 0 3, दिस विल बी अ डायगनल मैट्रिक्स बिकॉज इन एलिमेंट्स को छोड़ के सभी जीरो है। देखो जब मैंने बोला इन एलिमेंट्स को छोड़ के, इसका मतलब ये नहीं बोला हूँ, ये नहीं है कि ये एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं, इनको छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो उसने क्या लिखा है, मैट्रिसेस फॉर विच ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो आई नॉट इक्वल टू जे मतलब किस किन एलिमेंट्स की बात कर रहा है, वो इन एलिमेंट्स की बात कर रहा है ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने उधर भी टर्म यूज किया था डिटर्मिनेंट में, ऑफ डायगनल एलिमेंट मतलब ये वाले और ये वाले रेड के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ, दीज आर ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए तब मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, नोट करके लिख लो इसको, क्या लिखोगे, डायगनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो। डायगनल उसमें ए आई आई के बारे में तो कमेंट ही नहीं किया ना, तो ए आई आई कैन बी एनीथिंग, तो क्या लिखूं, डायगनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो और कैन बी नॉन जीरो आल्सो, कैन बी जीरो एज वेल एज नॉन जीरो, कैन बी जीरो एज वेल एज नॉन, कैन बी एज वेल एज वेल एज नॉन जीरो, ठीक है। उसने इतना डेफिनेशन बोला है केवल, बेसिक डेफिनेशन डायगनल की, कि ए आई जे जीरो के बराबर होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। ए आई आई जो है वो हमारा नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना है। मैंने बोला पहले सुन लो, n क्रॉस n का एक डायगनल मैट्रिक्स रखा है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, उसमें बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्या बोला इसको लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ, लिखो इसको एग्जाम्पल, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। पहले खुद से सोचो, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, उसने बोला मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, कम से कम जीरो कितने होंगे। तो खुद सोचो, मुझे अगर किसी, जैसे मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ इधर, तो देखो मुझे मिनिमम चाहिए, अगर मिनिमम चाहिए तो डेफिनेटली डायगनल एलिमेंट्स को क्या मैं पुट करूंगा, नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो हो जाएंगे इस पर्टिकुलर के लिए। वैसे इन जनरल दीज आर नॉट ऑलवेज नॉन जीरो, बट अगर इसने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बोला है तो मुझे कम से कम जीरो यूज करना है कि वो डायगनल मैट्रिक्स बनी भी रहे। तो क्या करूं मैं, केवल इनको जीरो डाल देता हूं और इनको जीरो डाल देता हूं और डायगनल एलिमेंट्स को नॉन जीरो रख देता हूं, तो उस वक्त मेरे पास कितने होंगे, इधर 3 है इधर 3 है, तो 3+3 6 हो जाएगा, दैट इज फॉर 3x3 मैट्रिसेस। बट अगर मान लो मेरा n क्रॉस n दिया है उसने, तो आंसर ऑफ दिस विल बी कितना होगा, आंसर विल बी ये वाले एलिमेंट्स प्लस ये वाले एलिमेंट्स, कौन से मैट्रिक्स में, ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। इसका काउंट तो मैं तुम्हें डिटरमिनेंट में भी लिखवाया था, दीज आर कॉल्ड ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। तो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स कितने होंगे, सभी एलिमेंट्स में से डायगनल एलिमेंट्स छोड़ दो
तो सभी एलिमेंट्स कितने होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं। डायगोनल में कितने होते हैं, एन। तो बचे हुए कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन। इतने कम से कम जीरो की आवश्यकता पड़ेगी। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एन स्क्वायर। ऑफकोर्स सारे एलिमेंट जीरो रख दो, दैट विल बी अ डायगोनल एलिमेंट्स, बिकॉज ये तो डेफिनेशन ट्रू हो ही रही है। तो मैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी एन स्क्वायर माइनस एन। क्लियर है? अब देखना एक और इसी में, इसी क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार की, मैक्सिमम नंबर। तो इसको भी तुम लोग पॉज करके सोचो। देखो इसी को लिए, चलो इधर मैं इस साइड लिख लेता हूं, आई विल रब दिस पार्ट, ठीक है ना। तुम लोग इसको कॉपी कर लो। क्या बोला उसने, डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती है? तो पहले मैं 3x3 के लिए बोल देता हूं, उसके लिए उसके बाद जनरलाइज कर देंगे n क्रॉस n के लिए। तो 3x3 के लिए जैसे मैंने इधर लिखा था 100 020 003। अच्छा, मुझे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज चाहिए, तो क्या करूं मैं जो, और मुझे चाहिए कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी बनी रहे। तो पहले डायगोनल बनी रहे उसके लिए मिनिमम मैंने क्या किया, इन तीनों को तो जीरो, इन छह एलिमेंट्स को तो जीरो कर दिया। कौन कौन से, एक तो ये तीन, एक ये तीन। अब मुझे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज चाहिए, तो इनको मैंने अलग अलग एंट्रीज भर दी तीनों को, एक्स जीरो को अलावा, क्योंकि जीरो को भी एक भर दिया तो कम हो जाएगा ना मेरा, मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो एक दो तीन और एक एंट्री जीरो इटसेल्फ, तो कितना आ गया इसका आंसर, फोर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो जाएंगी? क्या करूंगा मैं इसमें, एक तो डायगोनल एलिमेंट को हर एक डिफरेंट डिफरेंट भरूंगा, एन तो उसके घर आना आया, और एक जीरो के लिए, दैट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट एंट्री, हेंस आंसर विल बी एन प्लस वन। आंसर विल बी एन प्लस वन। तो याद रखना ये दोनों, एक जस्ट फॉर द फील पर्पस अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इसी के अंदर, हम देखना इसके अंदर, ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसी के अंदर है, अभी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर चल रहा है। तो स्केलर, इसको अलग कलर से लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े ना उसी का स्पेशल केस। उसी का स्पेशल केस क्या है, कि जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो। क्या लिखूंगा, ऐसे लिख लो। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स की मदद से लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं डायगोनल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स फॉर विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। वो डायगनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगनल एलिमेंट बराबर होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहली बार डायगनल तो होना ही चाहिए, तो लेट्स से मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से इधर 2 भरा, इधर 0, इधर 0, तो 0 2 0 0 0 2, सो दिस विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। तो पहला तो डायगनल मैट्रिक्स है ही है, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब तो जीरो हो ही रहे। अब उसने क्या बोला है कि डायगनल एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, तो ले लिए बराबर 2 2 2 2, सो दिस विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। This is what special case of diagonal matrix. इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, A, चलो रहने दो mathematically, ऐसे रहने दो। Scalar matrix क्या हो जाएगा? Diagonal matrix for which all the diagonal elements are equal. Clear है? अब तीसरा आता है, which is again very important और बहुत ज़्यादा जगह use होगा, मतलब इन सबसे ज़्यादा जगह use होगा, जो अभी मैं लिख रहा हूँ, वो scalar matrices का भी special case है। देखो, सबसे पहले आया square, उसका special diagonal. डायगनल का स्पेशल स्क्वायर, स्केलर, स्केलर का स्पेशल इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, लिख लो इधर आइडेंटिटी या फिर यूनिट। बहुत ज्यादा मतलब ये समझ लो मैट्रिसेस के 80% क्वेश्चन में ये चीज यूज होगी, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स भी लिखते हैं, मैट्रिसेस भी लिखते हैं, कैसे भी लिख लो, हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना है। तो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, मैंने क्या बोला अभी, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस। वो स्पेशल केस है क्या, स्पेशलिटी क्या आई, कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिसेस आर यूनिटी। मैं क्या बोल रहा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की मदद से लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, रेफरेंस लेके, स्केलर मैट्रिसेस फॉर विच
ऑल फॉर विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी, फॉर विच एलिमेंट्स आर वन या यूनिटी. तो मैं क्या लिखूंगा, ए आई आई इक्वल्स टू वन, एंड क्या लिखूंगा, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे. मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो, इतने में कवर हो गया ये चीज. तो सोचो इसी चीज को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, स्केलर मैट्रिसेस फॉर व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर वन. इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट इट मैथमेटिकली दिस वे, ए आई आई मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है वो तो वन है, और ए आई जे जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जी, जीरो नहीं जे है, आई और जे अगर बराबर नहीं है तो वो सारे एलिमेंट्स जीरो है. सो दिस इज बेटर, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन of identity matrix. ठीक है ना. अच्छा एक चीज और लिख लो इसको, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे लिख लो नेक्स्ट स्टेप में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय i और नीचे सफिक्स लगाते हैं n. n से पता चल रहा है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n. क्या बोला मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय i और स्मॉल n इधर सफिक्स. क्लियर है बच्चों, ठीक है ना. तो ये हमारा बहुत जगह यूज होने वाला है. अच्छा और एक और चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जैसे अभी आगे जाके देखेंगे हम, बाकी बता सकते हो तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी, इट इज वन, क्योंकि इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं और वो डायगोनल एलिमेंट भी क्या है, वन वन. तो व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट वन इंटू वन इंटू वन अप टू एन टाइम्स, दैट इज वन. तो लिख भी सकते हो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन. क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ आई एन दैट इज डिटरमिनेंट वैल्यू, या फिर DET, determinant of IN is equal to 1. This is equal to 1. Clear है? चलो एक बार recall करते हैं क्या बोला मैंने. सबसे पहले हमारा आया था square matrix, उसके पहले हटा दो row, column, diagonal, sorry, row matrix, column matrix, वो सब हटा के जब मैंने square से start किया वहां से मेरा क्या आ रहा है. सबसे पहले ऐसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखना एक अगर मैं rough figure बनाऊ तो ये मेरा square है, ठीक है. इसके अंदर मेरा आएगा डायगोनल, मतलब ऐसे बोल रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. फिर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा हमारा, स्केलर, और स्केलर के अंदर क्या आएगा, आइडेंटिटी. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस फिगर. सबसे पहला आइडेंटिटी क्या, स्पेशल केस है स्केलर का, स्केलर इज स्पेशल केस ऑफ डायगोनल एंड डायगोनल इज स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज द हायरार्की, ठीक है ना, जो मैंने अभी डिस्कशन किया. नेक्स्ट टर्म आता है इसमें हमारा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो लिख लो इसको, इसको पॉज करके कॉपी करो, ठीक है. आज का लेक्चर मोस्टली डेफिनेशन वगैरह में जाएगा, ठीक है. कल से हम थोड़ा, कल या परसों से हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे. एंड माई टारगेट इज की मैक्सिमम 8 to 9 days में ये खत्म हो जाए, और हो भी जाएगा, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. चलो अब मैंने बोला अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लिखो ये भी टर्मिनोलॉजी बहुत जगह यूज होगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो इसका डेफिनेशन क्या है कि वो मैट्रिक्स जिसके लिए एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. क्या बोला, मैट्रिसेस फॉर विच, लिख लेना, मैट्राइसिस फॉर विच the elements below diagonal diagonal elements are zero. अच्छा अभी हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखेंगे, ये तो लैंग्वेज फॉर्म में हो गया. तो एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, वन लेट्स से टू थ्री जीरो फोर फाइव जीरो जीरो सेवन, और इसको भी लेट से जीरो ले लिया. अब मैंने डेफिनेशन से जो मैंने लिखवाया उस पर वेरीफाई करते हैं क्या ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो उसने क्या बोला, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो एंट्रीज, बिलो मतलब नीचे, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो ये हमारे जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं, इसके नीचे जो एंट्रीज हैं वो जीरो है क्या, हाँ है. हमें बाकी एंट्रीज से मतलब नहीं है, बाकी जीरो हो या नॉन जीरो उससे मतलब नहीं है. आई वॉन्ट ओनली दीज थ्री एंट्रीज शुड बी जीरो. I want this entries to be zero. We don't care about other elements.
फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब खुद सोचो एक बार, अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला ये तो हो गया लैंग्वेज फॉर्म में डेफिनेशन, हाउ टू राइट दिस मैथमेटिकली, मुझे लिखना है ये तीन एलिमेंट जीरो हो, उस वो मैट्रिक्स आर कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इन एलिमेंट्स में खासियत क्या है, खुद सोचो एक बार, मैं इसको बताने जा रहा हूं। ये एलिमेंट्स के लिए जो आई है दैट इज ग्रेटर देन जे, इन सभी एलिमेंट्स के लिए आई इज ग्रेटर देन जे, वेरीफाई कर लो। इसके लिए आई क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए आई इज ग्रेटर देन जे, इस चीज की मदद से मैं लिखता हूं मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्या लिखूंगा, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अब आई लेस देन जे और आई इक्वल टू जे के लिए इसने कोई कुछ भी जिक्र नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी। हाँ, लेकिन अगर आई ग्रेटर देन जे है तो पक्का ए आई जे को जीरो होना पड़ेगा फॉर मैट्रिसेस टू बी अपर ट्राइंगुलर, क्लियर है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम, देखना। मैंने बोला जैसे कि अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लिया था, मैंने बोला नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैंने पूछा क्या होगा, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, उससे पहले अगर मैंने बोला मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो इट इज एन स्क्वायर। क्यों, सभी एलिमेंट जीरो ले लो, सारे एलिमेंट जीरो ले लूंगा तो ये डेफिनेशन तो फुलफिल होगी, तो दैट विल बी द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल, क्लियर है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मैंने पूछा, तो मुझे कम से कम जीरो रखना है सो दैट ये अपर ट्रायंगुलर भी बनी रहे। तो अपर ट्रायंगुलर बनी रहे तो क्या करूं मैं, ये तीन एलिमेंट्स को जीरो रख देता हूं, बाकी सब नॉन जीरो रख देता हूं। तो 3 क्रॉस 3 के लिए तो ये n, 3 क्रॉस 3 के लिए तो 3 आया, व्हाट अबाउट n क्रॉस n के लिए। मैंने लिखा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स टू बी अपर ट्रायंगुलर, फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स टू बी अपर ट्रायंगुलर कितना होगा, याद है कुछ बताया था अपने डिटरमिनेंट में, ये n होते हैं, ये n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ये n स्क्वायर माइनस n बाय 2, इन दोनों का एडिशन n स्क्वायर माइनस n आता है, तो ये कितने बचते हैं, n स्क्वायर माइनस n बाय 2, हेंस दिस इज n स्क्वायर माइनस n बाय 2, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री। तो तुम लोग क्या करो, बेटर ज्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचो, मैं इसको बता रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज उसने बोला है, तो क्या करूं मैं, इनको तो तीन को जीरो रखता हूं, इन तीनों को तो जीरो रखता हूं, बाकी सारी डिफरेंट कर देता हूं, तो डिफरेंट आ जाएंगी मैक्सिमम, क्योंकि अगर मान लो तुमने इनमें से भी कोई जीरो ले ली तो क्या होगा, हमारी एंट्रीज कम हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट एंट्रीज कम हो जाएंगी। तो आई वॉन्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, उसके लिए क्या करूं, और मिनिमम मुझे अपर ट्रायंगुलर तो बनाना ही बनाना है, तो ये तीन तो मिनिमम जीरो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद इन सभी एंट्रीज को नॉन जीरो कर देता हूं, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर्स। सुनना क्या बोला मैंने, ये बची हुई जो एंट्रीज हैं, इन तीनों एंट्रीज को छोड़ के आई विल फिल इट विद डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर्स, देन आई विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, देखना, फॉर एग्जाम्पल एक 3 क्रॉस 3 का ही ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, दिस इज माई रिक्वायरमेंट, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस होगा जिसके अंदर मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज हैं। क्यों, क्योंकि मिनिमम तो तीन भरी थी, उसके बाद सारे डिस्टिंक्ट ले लिए और जीरो भी नहीं लिया उधर, तो इसका काउंट कैसे करें, मैंने बोला इस पर्टिकुलर के लिए मेरा आंसर कितना आया, देखना, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इज 7, दैट इज फॉर 3 क्रॉस 3, बट आई वॉन्ट जनरलाइज, आई वॉन्ट जनरलाइज, तो क्या करें, देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मुझे चाहिए, ये कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके, मैंने क्या बोला कि आई वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, तो 3 क्रॉस 3 के लिए तो मैन्युअली काउंट करके मैंने देख लिया इट इज 7, बट आई वांट टू राइट इट फॉर जनरल मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एलिमेंट्स देखना जो मैं पहले ब्रैकेट में ला रहा हूं, प्लस ये एलिमेंट प्लस इनके करस्पोंडिंग वन, देखना क्या बोला, ये वाले एलिमेंट्स, तो ये कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n बाय 2, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे n, और इनके करस्पोंडिंग डिस्टिंक्ट एंट्रीज 1 हो जाएगी। तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना होगा, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 प्लस n प्लस 1, दैट्स इट। इसको इन दोनों को क्लब करके लिख लो, n इनटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, क्लियर है।
अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें थोड़ा सा और एक और चीज क्लिक करना चाहिए, दिस इज द मेथड वन फॉर एक्सप्लेनिंग, बट ये चीज आई दिमाग में, और ये तो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा देखता हूँ, इधर दोबारा लिख लेता हूँ 1 2 3 0 4 5 0 0 6, लेट्स से, तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज के लिए क्या हो रहा है, देखना है ध्यान से, देखो रो नंबर 3 के अंदर 1 एक एंट्री है, एक मिनट के लिए मैं 0 को हटा रहा हूँ, जस्ट आई एम काउंटिंग नॉन जीरो एंट्री, 0 के करस्पॉन्डिंग मैं 1 ऐड कर लूंगा, तो 6 इज 1 एंट्री, इसके अंदर कितनी है 2, इसके अंदर कितनी है 3, अगर ऐसे ऑर्डर n होता तो फिर 4 5 6 7 लेता, तो टोटल कितना होता 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो क्या आता n (n+1/2) प्लस 1, दिस करस्पॉन्ड्स टू 0, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट एंट्री, हैज द आंसर इज दिस थिंग, आई होप क्लियर हुआ होगा, मजेदार चीज है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसी का विज़ा-विज़ हमें लिखना है, देखना सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर, तो हम लिखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर सब कुछ सेम रहेगा, बस अपर की जगह लोअर हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आई होप तुम लोग वीडियो क्या करो, बेटर है तुम खुद से लिखो इसको, ठीक है, रेफरेंस ले लो, जो जो मैंने अपर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर में लिखा वो तुम रेफरेंस ले लो, उसी फ्लो में लिखा है मैं पूरा, क्या है देखना, जैसे अब क्या बोलेंगे हम इसको लोअर ट्रायंगुलर को, जिसके लिए एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो देखना 1 0 0 2 3 0 4 5 6, तो ये एलिमेंट्स 0 है, hence this is called lower triangle matrix, तो इन एंट्रीज में क्या खासियत है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फॉर दीज एंट्रीज ए आई सॉरी आई इज ग्रेट आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, देख सकते हो जैसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो क्या लिखूंगा मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर वो लिख लोगे सेम जैसे लोअर ट्रायंगल में हमने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ 0 ये वाले, अगर ऑर्डर n का होगा तो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ 0 n इन n स्क्वायर माइनस n बाय 2, दिस इज व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ 0, मिनिमम नंबर ऑफ 0, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज अगेन कैसे लिखूंगा, इसमें 1 2 3 अप टू n आएगा, तो n(n+1/2) प्लस 1 करस्पोंडिंग टू 0, या फिर ऐसे बोल लो कि ये एलिमेंट्स होगा n² - n/2, ये n और ये 1, तो बोथ वे वी कैन टेल, क्या बोलूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इज इक्वल टू n² - n/2 प्लस n प्लस 1, या फिर इसको और कैसे एक्सप्लेन किया, इस रो इस वाले फर्स्ट रो के अंदर 1 एक एंट्री 2 3, मैं पहले नॉन जीरो एंट्रीज काउंट कर रहा हूं, उसके बाद 0 के लिए 1 ऐड कर दूंगा, तो n(n+1/2) + 1, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, क्या करना अपने नोट्स में लिख लेना सब कुछ, अच्छे से लिखना, कोई मतलब ये मत सोचना कि नहीं हम जब भी बाद में डाउट होगी तो वीडियो लेक्चर दोबारा सुन लेंगे, नहीं नहीं इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा, जो भी लिखवाया हर एक चीज नोट्स में कॉपी होना चाहिए, ऑल्दो हो सकता है ये हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो माइट बी यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू राइट एट दैट मोमेंट, ठीक है, तो बाद में रिवाइंड वगैरह करके लिखो, क्योंकि हमें पोर्शन भी खत्म करना है तो हम ज्यादा भी स्लो नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, तो उतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा जितना हम क्लास में देते हैं तुम्हें लिखने के लिए, क्यों उधर हम 2 घंटे लेते हैं एक दिन में, इधर हमको 1 घंटे में कवर करना होता है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे भी तुम लोगों को काफी टाइम मिल रहा है क्योंकि आफ्टर 12 o'clock आई थिंक यू आर फ्री, जैसे स्कूल में तो तुम्हें 5-6 बजे तक रुकना पड़ता था, तो थोड़ा सा टाइम तुम्हें भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ठीक है फिर आज के लिए, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।